हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फूडी रावर चैनल। मैं फिर से एक नई रेसिपी लेके आ गई हूँ, जो कि मैंने एक केक बनाया है और मैंने बहुत ही टेस्टी केक बनाया था, सभी ने बहुत तारीफ करी थी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की ओर। तो यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया, जो नमक होता है इसको मैंने स्टोर कर रखा है, तो इसको मैंने डाल दिया और साथ में एक स्टैंड डाल दिया है और इसको ढक्कन लगा के मैंने लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है। केक के बैटर के लिए मैंने यहाँ पे वेट मिक्सचर बनाया है, जिसके लिए मैंने 1/4 कप मिल्क रूम टेम्परेचर पे है ये, और साथ में मैंने 1 चम्मच यानी कि 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे विनेगर मिला के मिक्स करके रख दिया है 10 मिनट के लिए, जो कि कर्डल हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे 5 इंच का केक टिन लिया है और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे बटर पेपर है, उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है। आप यहाँ पे केक टिन की जगह पे कोई भी इस शेप का कटोरी ले सकते हैं और A4 साइज की शीट लेके गोल शेप में काट के इसको रख सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद मैंने ड्राई मिक्सचर के लिए मैंने 3/4 कप मैदा, यानी मेजरमेंट में 1/2 कप प्लस 1/4 कप मैदा, 1/2 कप पाउडर शुगर और 1 टेबल स्पून मैंने मिल्क पाउडर लिया, साथ में मैंने 3/4 स्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 स्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है, साथ में मैंने 1 पिंच सॉल्ट डाल के मैंने यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने छान लिया है, जिससे कि इंचेस हैं और गुठलियाँ हैं वो निकल जाएं और हमारा एक लेवल में सारे मिक्सचर छन जाए। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट मिक्सचर रेडी हो गया है, तो अब वेट मिक्सचर की ओर चलते हैं। तो दूध हमारा कर्डल हो गया है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम यहाँ पे 1/4 कप अनफ्लेवर्ड ऑयल मिक्स करेंगे। अनफ्लेवर्ड ऑयल मीन्स कि कोई भी हमें हार्ड फ्लेवर की नहीं लेनी, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल। तो अब यहाँ पे ऑयल को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून वनीला एसेंस मैंने मिक्स कर दिया है और वेट मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे जो हमने ड्राई मिक्सचर रेडी किया था उसको यहाँ से अच्छे से मिक्स करने के बाद, जो हमने वेट मिक्सचर रेडी किया था दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है एक ही प्रोसेस में, मीन्स कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, कट एंड फोल्ड के प्रोसेस से। तो यहाँ पे मैंने सारे इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस केक बैटर में मैंने 3 बड़े चम्मच दूध का यूज़ किया, जो कि मैंने 3 बैचेस में यूज़ किया है, तो मैंने 1 चम्मच मैंने फ़िलहाल डाल दिया और उसको मिक्स कर रही हूँ। केक जो हमारा बैटर रेडी करना है बिल्कुल रिबन जैसी, फ्लोई जैसी रेडी करनी है, तो मैंने 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है और इसकी ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी आपको मैं दिखाऊँगी, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा अटक अटक के गिर रही है, तो इसलिए मैंने फिर से 1 चम्मच और दूध मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। तो टोटल मैंने 3 बड़े चम्मच दूध का यूज़ किया था और अब यहाँ पे मैं थर्ड जो मैंने टाइम दूध दिया था इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्लोई और रिबन जैसी यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी हो गई है। तो हम इस केक बैटर को जो हमने केक टिन तैयार किया है उसमें इसको पोर करेंगे, तो केक की जो ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी है बिल्कुल रिबन जैसी है, फ्लोई है, तो ऐसा ही हमें बैटर रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से केक के बैटर को डाल दिया है केक टिन में और इसको मैंने जो भी बचे हुए थे बॉल में उसको भी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ और उसके बाद मैं इसको टैप कर दूँगी ताकि जो भी एयर बबल्स है वो निकल जाए। और यहाँ पे हमारा 10 मिनट हो गया है, तो इसको मैं बेक करने के लिए 30-35 मिनट्स पे लोएस्ट फ्लेम पे डालूंगी। अगर आप ओवन या कन्वेक्शन में बनाना बेक करना चाहते हैं तो आप इसको 180 डिग्री पे आप 30-35 मिनट्स के लिए बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने व्हिपिंग पाउडर क्रीम पाउडर का यूज़ किया है, उसको मैंने 1 कप लिया है और साथ में मैंने 180 ml मैंने दूध लिया है, यानी कि 3/4 कप दूध लिया है, साथ में मैंने 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस ऐड किया और इसको मैं विस्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बॉल जो थी थोड़ी छोटी ले ली थी, तो इसके लिए मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ बड़े बॉल में, क्योंकि क्रीम को व्हिप करने के लिए कोई भी मैंने इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का यूज़ नहीं किया, मैं हाथों से मैंने इसमें विस्क करी है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बड़े वाली जो विस्क आती है हैंड, उससे मैंने यहाँ पे इसको ब्लेंड किया। तो आप इसको देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके गाढ़ी होती जा रही है, यहाँ अभी भी ये ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी में है, तो इसको हमें विगरसली मिक्स करना है। और जब ये क्रीम थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी तो हमें यहाँ पे फ्रिज में रेफ्रिजरेट होने के लिए 50 मिनट्स के लिए रख देना है। और हमारा 30-35 मिनट्स हो गया, तो मैंने टूथपिक से प्रिक करके चेक किया, वो बिल्कुल क्लीन आई है। तो हमें इसको पतीले से मैंने निकाल के इसको 10 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है।
15 मिनट्स हो गए हैं फ्रिज में रखे, तो मैंने इसे निकाल के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि क्रीम जो है बिल्कुल स्टिफ ना हो जाए, यानी कि वो बिल्कुल गिरे नहीं बॉल से। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि बिल्कुल भी गिरेगी नहीं। मैं इसको 5 मिनट्स मोर मैंने इसको मिक्स किया है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्लेंडर से मैं यहाँ पे ड्रॉप पलट के दिखा रही हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल गिर नहीं रही है। तो यहाँ पे हमारा क्रीम जो है रेडी हो गया है। केक जो मैंने थोड़े कलरफुल बनाए हैं तो मैंने यहाँ पे रेड फ्रूट जेल कलर मिक्स किया, बट मेरे पास रेड फ्रूट जेल कलर नहीं था। मैंने बाद में देखा कि अरे तो पिंक कलर, तो मैंने थोड़ा रेड रेडिश कलर आने के लिए मैंने बाद में मैंने इसमें येलो कलर मिक्स कर दिया। तो ये मिक्स होके यहाँ पे इस कलर के आ गए, मीन्स की डिप थोड़ी सी ऑरेंजेस कलर इसको कह सकते हो आप, तो ये ऑरेंजेस कलर में आ गई। तो ये अच्छे से मिक्स हो गई थी, इसको मैंने फ्रिज में फिर से 15 मिनट्स के लिए रख दिया है। तो दूसरा कलर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम ले ली। मैंने यहाँ पे ग्रीन वाटरी कंसिस्टेंसी में ली है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि ये थोड़ा ज़्यादा गिर गया है। तो कोई नहीं गाइस, ये कलर इस कलर से हमारे टेस्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं आया, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और इसको मैं फिर से फ्रिज में रेफ्रिजरेटर के लिए रख दिया। तब तक दूसरी तरफ हमारा केक जो है बिल्कुल ठंडा हो गया था, आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट बनी है। तो चलिए चलते हैं हम इसको डीमोल्ड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डीमोल्ड कर दिया है, आप देख सकते हैं कि बहुत सही से आसानी से बिल्कुल निकल गई है, और हमारा बटर पेपर भी बिल्कुल इजी वे में निकल गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कितनी सॉफ्ट बनी है, कितनी स्पॉन्जी बनी है। तो यहाँ पे मैंने केक बोर्ड पे मैंने केक को प्लेस कर दिया है। उसके बाद मैं इसको दो पार्ट में काटूंगी। मेरे पास उस टाइम पे सेरेटेड नाइफ नहीं थी, तो मैंने नॉर्मल किचन के नाइफ को यूज़ किया, तो थोड़ा बिगड़ गया था। तो कोई नहीं गाइस, अब थोड़ा इसको इग्नोर करना। तो यहाँ पे मैंने शुगर सिरप यूज़ किया, यानी कि चीनी को मैंने पानी में घोल दिया, और स्पॉन्ज के ऊपर मैंने यहाँ पे ब्रश कर दिया है। दोनों केक के बीच में फिल कर दिया। उसके बाद मैं ऊपर से क्रम कोटिंग कर रही हूँ। तो क्रम कोटिंग करने से क्या होता है, अगर आप बिगनर हो तो क्रम कोटिंग करने से आपको इजी होता है केक को क्रीम से कोटिंग करने के लिए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे जो रेड कलर की जो क्रीम रेडी की थी, उसके बाद मैं इसको पैलेट नाइफ से मैं कोट कर रही हूँ, और साइड से भी मैंने यहाँ पे पैलेट नाइफ से मैंने कवर अप कर दिया है। केक हमारी क्रीम से पूरी कवर्ड हो गई है। तो मैं यहाँ पे जो इसके जो एजेस है उसको भी यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ, फिनिशिंग दे रही हूँ। गाइस यहाँ पे मैंने बेबी डिज़ाइन देने के लिए मैंने ब्रश का यूज़ किया है। तो उसके बाद यहाँ पे जो बीच में जो डिज़ाइन बिगड़ा हुआ, उसे कोई नहीं गाइस, मुझे इसे यहाँ पे बीच में डिज़ाइन बनाने हैं। तो मेरे पास जो क्रीम बचे हुए थे यहाँ पे मैंने बीच में मैंने ट्री बनाने के लिए बीच में प्लेस कर दिया। साथ में मेरे पास कुछ वेफर्स थे, तो यहाँ पे मैंने पिलर्स के लिए, जैसे कि ट्री हमारा खड़ा रहे उसको सपोर्ट हो, तो मैंने वेफर्स मैंने लगा दिया है। कुछ चॉकलेटी वेफर्स थे, कुछ स्क्वायर शेप में, कुछ राउंड शेप में, तो मैंने यहाँ पे वेफर्स को प्लेस कर दिया। साथ में मेरे पास मैंने जो ग्रीन कलर का क्रीम रेडी करी थी उसको मैं यहाँ पे डिज़ाइन दे रही हूँ ट्री का। गाइज ये केक मैंने क्रिसमस डे से पहले बनाया था, और इसको मुझे अपलोड करना था उससे पहले, बट मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब और मैं जॉब करती हूँ, तो जॉब का जो था वर्कलोड थोड़ा बढ़ गया था, तो पहले मैंने जॉब को पहले प्रेफरेंसेस दे दी, इसलिए मैं एडिट नहीं कर पाई और ना ही अपलोड कर पाई, उसके लिए माफ़ करना। तो यहाँ पे मेरे पास शुगर स्प्रिंकल्स बचे हुए थे, थोड़ा मैं ट्री को सजा रही हूँ शुगर स्प्रिंकल से। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्रिसमस ट्री हमारा बन के तैयार हो गया, थोड़ा और मैं इसको डिज़ाइन दूंगी। अगर ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगे तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है, और नहीं भी अच्छी लगी तो वो भी बताइएगा कि आपको वीडियो क्यों नहीं अच्छी लगी, ताकि उसमें मैं वर्क कर सकूँ, और इससे क्या होगा कि मैं थोड़ी करेक्शन के साथ में कुछ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ला सकूँ। तो क्रिसमस ट्री हमारी रेडी हो गई है केक पे। तो उसके बाद मैं इसको थोड़ा स्नोई डिज़ाइन देने के लिए मैंने मेरे पास जो वाइट कलर की व्हिप क्रीम बची हुई थी उससे मैं थोड़ा सा इसको केक को डेकोरेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप बिल्कुल स्नोई डिज़ाइन लग रहा है, और काफ़ी सुंदर डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया था। तो यहाँ पे मैंने होममेड चॉकलेट से थोड़ा सा ऊपर से सजा दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। खुश रहे, खुशियाँ बांटें।